सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार की सुबह के बज रहे हैं जी 9। आज कोई काम तो करा ना, सुबह से नहाने का नाश्ता वास्ता करने के बाद विश्राम में ही है। फिलहाल चल रहे हैं जी बच्चों के स्कूल, जरा उनकी फीस जमा करके काम है, जरूरी कार्य है वो, कई दिनों से बाद ही चल रहा। आज थोड़ा सा नज़ला भी हो गया और धूप में तो बेहिसाब जान है। अब चलते हैं जरा बाइक से। तो जी चल तो रहे हैं हम स्कूल को, पर पहले इनका गन्ना देख के आऊँ, जरा उस साइड में पड़ेगा, इनके गन्ने में रोग है ना है, रोग होगा तो तसल्ली हो जाएगी मुझे भी। है भाई बस तुम्हारे में अगर रोग लग रहा है तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, मन के यार अकेला ना हूँ मैं। दुनिया का जहाँ जाओ मेरा नहीं सूखेगा, और पड़ोसी का ना सूखे तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ ये बात सही कह रहे हो, संपन्न हो जावे देश हिंदुस्तान। तो जी पहुंच गए इनके चक पे, इनका ना तो बढ़िया खड़ा आयो, ये है 0238। इनका तो सूख भी ना रहा, पर ये तो जंगल का भी फर्क है थोड़ा सा, पर 38 जो जंगल को मान तो ना रहा, तो कुठरिया भी हिल रही है इनकी। तो जी इस पर चढ़ाऊँ, अब देख रहा हूँ उनका कितना रोग है ना है, तो इनके में तो नहीं है ज़्यादा रोग, ठीक ठाक खड़ी है। हालांकि वो जंगल ज़रा उपजाऊ है, बढ़िया गन्ना खड़ा लोगों का। अरे इधर ना रोग नहीं आया अभी, तुम्हारों में नहीं आया रोग इनमें, तो इधर क्या वजह है यार रोग, हमारे उधर तो बहुत है यार। दवाई तुम कहाँ से लाए हुए, दवाई कहाँ से लाए तुम, ये ना बताऊंगा। गन्ना मिले, ये बहुत स्पेशल गन्ना है, ये 0238 है। क्या क्या 0239 है वो, ये सूखता नहीं है, आप देख लो जो है कोई मेरा सूखा हुआ होता है। अभी स्टार्टिंग है कबूतर, आखिर तक तो सुखाई देंगे ना, होगा मेरे खतर का स्प्रे करके जाऊंगा इसमें ना। ये बहुत शानदार गन्ना है, बढ़वार आप देख मेरे खतर का नाम सुना है ना दवाई का, ना सुना दवाई तो मैंने इसमें डाली ही नहीं है। अरे तुम थोड़ी डालो, हम डालेंगे, सुखा का मानेंगे तुम, अगर हमारा सूखेगा तो। अब एक बंधाई हो चुकी है, इसकी दूसरी बंधाई चलने वाली है एक दो दिन में, लागत बढ़ा रहे हैं जी ये भी, पर हालांकि ये इस जंगल में है नहीं ये रोग, है वैसे पीछे एक खेत ऑर्गेनिक है, ये टोटल ऑर्गेनिक, इसमें कोई दवाई पड़ी हुई नहीं है। अच्छा ठीक सही ऐसे ही कह रहे हो भी, हाँ काफी डिमांड है इस गन्ने की। अरे भैया बहुत ज्यादा डिमांड है भाई इसमें यार, पेड़ तो बड़ा घना है भैया, ये खेत तो मेरा लगभग लगभग बुक ही हो चुका है। अरे बहुत तो हो गया होगा, चल बुकिंग सबको बता 39 कितना बुक है। है भाई क्या मतलब, आप देखिए। हाँ हाँ देखिए, आप नीचे खड़े होकर देखिए कितना लंबा है। हाँ देख लेंगे। मैं जो कह रहा तेज में दिखाई दे रहा है क्या तरफ, देखो आता है मैं सामने मिल लेता हूँ। तुम जो मजाक ही मूड हुआ, तो टोटल है शाकाहारी है, मिला शाकाहारी है, कितने ऐसा ना हो कहीं तुम पका रहे हो क्या, थोड़ा ओड़ भर ध्यान दो, इस आदमी थोड़ा ओड़ भर ध्यान दो, पेट नहीं भरेगा अभी है। पिछले साल जो अब मिला यही गेहूं की जुताई कर रहा मैं। हाँ अगर तुम्हें समझ लो कोई पालन पोषण कर रहा है, ज्यादा मीठा खवा रहा है और खूंखार वो मतलब तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर रहा वैसा वाला, तो इसका मतलब साजिश कर रही है। भाई मांसाहारी मांस नहीं खा रहा तो कोई ना कोई तो साजिश है उसकी करने वाली, तो संदेह की निगाह देखा जा भाई साहब, कभी पता चला किस दिन मैं मोटरसाइकिल के जख्मी कर दे या किसी को बुलवाने, अबे किसी को बुलवाने तो ना कह दे क्या तगड़े से क्यों लेके आई है। यार जिम वाले लोडे ला कर दो भाई, बंदर वाला वो, हाँ वो गिरा गिरड़िया जो है, हाँ वो कहानी है साहब, उसे वो लेके आऊंगा कलेजा घर छोड़ दिया यार वही वाली बात। गन्ने बड़े हो रहे हैं इधर लोग। तो जी वहाँ के खेत पर से आ गए उनके से, और स्कूल में पहुँच गए, बच्चे खेल रहे हैं अपना फुटबॉल, ये गोल्डन डेज हैं लाइफ के स्कूलिंग के। तो जी फीस जमाने में तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है, अभी फीस कार्ड नहीं मिल रहा, तो हो सका है जो कुछ जमा होगा ना होगा आज। तो जी हम बैठे हैं यहाँ वेटिंग एरिया में,
पीछे अवार्ड देखो कितने रखे हैं। अभी स्कूल के अवार्ड है जो बनवाए हुए हैं पता ना। तो जी कुल मिलाकर मिशन अनसक्सेसफुल रहा, पास से जमा हो नहीं पाई। अब देखो मंडे वंडे में देखते हैं। तो हमारे गांव के बतेरे लोग तो यहाँ भी जॉब कर रहे हैं। अब बहादुर ने काट दी घास, तो जी स्कूल से आने के बाद आ गए इनके विधायक जी के मेडिकल पे। वो यहाँ हमें इंतजार है 15 मिनट का, तो 15 मिनट बीचेंगे फिर ऋषभ बाबू आएंगे, उनका कुछ काम है तो उस काम के सिलसिले में चलेंगे जरा। आ गए जी मिस्टर ऋषभ बाबू, चलें ये यहीं खड़ी रही, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये अब है वापसी का दौर घर की तरफ। तो जी 5 बज रहे हैं, भयानक जुकाम होने के बावजूद अपन चल रहे हैं जरा जिम, वर्कआउट निपटा गया हूँ पूरी दोपहर, छींकते छींकते बावला हो गया मैं। यू के 14 राइडर, राम राम जी भाई साहब, क्या हाल है सर? नमस्कार जी, चला दौड़ ले, चले से चला, चलो सही है, बताइए ठीक ठाक खड़ी है ना, गिरेगी ना? बिल्कुल भी ना गिरेगी, वो वहां आड़ा है भाई, कर दियो सीधी, कर दियो पीछे से, तो पल्ली कर दियो, अरे सही खड़ी, पीछे से उठा के रख दो, रख दो उधर को यार, आलसी मत बनो, जिम जा रहे हो तुम आखिरकार, बस बस तोड़ मत दियो यार। चला सर मिल गई भनपुरी, मिल गए कूड़ा कूड़ा मीरपुर, चलो चला यार, तुम्हारे हाथ पे लगी स्टंट तो कर दोगे तुम, भैया तुम बाकी जी भांग जो ना सूख रही, इस वजह से नहीं सूख रही, कतई हरी भरी कर रखी है केवल इस वजह से, बारिश पड़ो मत पड़ो ये बारिश रोज होती है। तो जी वर्कआउट तो कंप्लीट हुआ, अभी वर्कआउट करने के दौरान तो खैर छींके भी ना आई हैं, वो बीपी हाई हो जावा है तो फिर छींके कम हो जावा है, मेरे साथ तो यही नजले का। बाकी जी ये हमारे दोनों मित्र डाइट का इंतजाम कर लाए हैं, कहाँ गई भाई, अबे काटांग नहीं पन्नी, अच्छा इसमें ये जी बॉडी बिल्डिंग करा है पकौड़ी। तो जी अब आ गए हम बैंकेट हॉल पे, यहाँ चलेंगी हमारी यो पकौड़ी पार्टी, डाइटिंग बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के बाद, है भाई हेल्दी डाइट। तो जी 1 किलो पकौड़ी और 3 आदमी, एक आदमी चला गया हमारा, ना तो ढाई ढाई सौ ग्राम पड़ती हैं भाई, पेट तो भर गया इससे ही। बाकी जब चल रहे हैं घर को, ब्लॉग की करते हैं आज की यहीं समाप्ति, देखते हैं घर क्या बना है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्ट्रैक्ट मत करोगे।